मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स 20 फिल्म्स के बाद अपनी 10 साल पुरानी फ्रेंचाइज को फिर से कॉन्फिगर करना चाहता है। थानोस ने बस चुटकी बजाकर गैलेक्सी में आधे जीवन को खत्म कर दिया, लेकिन मार्वल स्टूडियो और उनके कुछ एक्टर्स के साथ एक और घटना घटने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, कुछ एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले हैं। आज जानेंगे ऐसे 5 टॉप एक्टर्स के बारे में जो एवेंजर 4 2019 के बाद आपको अपना रोल प्ले करते नजर नहीं आएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। जेरेमी रेनर का एमसीयू में डेब्यू हुआ 2012 में द एवेंजर्स के साथ। उससे पहले वो थॉर में छोटा सा अपीयरेंस कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने एवेंजर्स द एज ऑफ अल्ट्रॉन्स और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में काम किया एज अ पार्ट ऑफ टीम कैप्टन। अब हालांकि रेनर की मार्वल कॉन्ट्रैक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मौजूद नहीं है, पर ऐसा कहा जा रहा है कि एवेंजर 4 के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है, जिसका मतलब साफ है कि उन्होंने मार्वल स्टूडियोज के साथ 5 फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो 2019 में खत्म होने जा रहा है। टॉम हिडलस्टन। थैनोस से पहले लोकी से अच्छा कोई विलन नहीं था। टॉम के कैरेक्टर को थोड़ा टाइम लगा फैंस का फेवरेट बनने में, क्योंकि वो 2012 द एवेंजर्स के बाद ही वो बन पाए थे जो कि आज वो हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि लोकी अपने भाई थॉर जितना ही फेमस है, हालांकि अब वो विलन से ज्यादा एक एंटी हीरो है, पर कैरेक्टर अपनी फितरत से भटका नहीं है। वो आज भी द गॉड ऑफ मिस्चीफ है। लोकी अब ज्यादा देर नहीं टिकने वाला, ऐसा बताया जा रहा है कि हिडलस्टन ने मार्वल के साथ 6 फिल्म्स की डील साइन की थी। थॉर के बाद द एवेंजर्स, थॉर द डार्क वर्ल्ड, थॉर रैग्नारॉक और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। हिडलस्टन के कॉन्ट्रैक्ट में एक और फिल्म बची है और वो है 2019 की एवेंजर्स 4। क्रिस हेम्सवर्थ। थॉर 2011 में रिलीज हुई और ऑडियंस क्रिस हेम्सवर्थ को बस देखती ही रह गई। इस ऑस्ट्रेलियन एक्टर ने ये दिखाया कि वो थॉर का रोल करने के लिए ही पैदा हुए थे। खैर, हेम्सवर्थ हमेशा तो थॉर का कैरेक्टर नहीं निभा सकते। एक इंटरव्यू में क्रिस इवांस ने न सिर्फ ये खुलासा किया कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, बल्कि ये भी बताया कि हेम्सवर्थ का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला है 2019 एवेंजर्स 4 के बाद। हेम्सवर्थ अपनी सारी पावर्स को खो देंगे, क्योंकि अब वो दोबारा कभी थॉर प्ले नहीं करेंगे। क्रिस एवांस। एमसीयू में क्रिस का सफर स्टार्ट हुआ 2011 एमसीयू की मूवी द फर्स्ट एवेंजर्स से। हालांकि फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, बट इसने क्रिस को मार्वल का एक लीडिंग स्टार बनने में बहुत मदद की। ये अलग बात है कि वो फैंटास्टिक फोर में भी खुद को साबित कर चुके थे, पर कैप्टन अमेरिका वो कैरेक्टर है जिससे उन्होंने हॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ी। एवांस ने मार्वल स्टूडियो के साथ मल्टी पिक्चर डील साइन की जो 2019 में खत्म होने वाली है एवेंजर 4 के बाद। जब उन्होंने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया कि वो सिर्फ 2019 तक ये रोल निभाएंगे, तो फैंस को भरोसा नहीं हुआ और उनके फैंस ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दोबारा बात करने की डिमांड की। पर आखिरकार हर चीज का एंड तो होता ही है, और लगभग 10 साल तक एक ही किरदार निभाने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर। रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी 2019 एवेंजर 4 के बाद आयरन मैन प्ले नहीं करेंगे। ना सिर्फ एवांस ने अपने बारे में ये खुलासा किया, बल्कि उन्होंने रॉबर्ट के बारे में भी ये बात बताई कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। डाउनी का एमसीयू सफर 2008 की आयरन मैन से शुरू हुआ था, जो एमसीयू की पहली फिल्म थी।
तब से वो मार्वल सुपर हीरोज का चेहरा बने हुए हैं। डाउनी ने अपने 10 साल की मेहनत एमसीयू की फिल्म्स को दी। उन्होंने छोटा बड़ा हर रोल मिलाकर कुल 9 फिल्म्स में काम किया है। बिना रॉबर्ट डाउनी के एमसीयू वो कभी नहीं होता जो वो आज है। क्या अगला आयरन मैन एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरेगा, ये हमें देखना होगा। रह सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपकी कोई ओपिनियंस या सजेशंस हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।